हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ज्ञानपुर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बिग डेटा एंड ट्रेडिशनल डेटा, लेकिन यूजिंग अ बिजनेस अप्रोच। तो आइए वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं व्हेन इट कम्स टू बिग डेटा और व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिशनल डेटा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं डेटा वॉल्यूम की। अब ट्रेडिशनल डेटा में पहले बिजनेसेस प्राइमरीली स्ट्रक्चर डेटा के साथ डील करते थे और स्ट्रक्चर डेटा को मैनेज करना बहुत ही ईजी होता था। कन्वेंशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का यूज़ करके स्ट्रक्चर डेटा को ईजीली मैनेज किया जा सकता था। डेटा वॉल्यूम भी रिलेटिवली स्मॉल था और एक ही डेटाबेस में पूरा डेटा आ जाता था, सो दैट वॉज ट्रेडिशनल डेटा। लेकिन नाउ विद द अराइवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट, डेटा का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, उसकी वैरायटी बढ़ गई है। वेलोसिटी और वैरायटी की बात हम आगे करेंगे, फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि भाई अभी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल है ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। बिग डेटा किसको रेफर करता है? बिग डेटा रेफर करता है लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को, और इन डेटा सेट्स को आप ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को यूज़ करके इफेक्टिवली मैनेज तो नहीं कर सकते, ना ही इफेक्टिवली एनालाइज कर सकते हो। अब ये डेटा डाइवर्स सोर्सेज से आता है, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, सेंसर्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स एंड मोर। सो एज यू कैन अंडरस्टैंड, ट्रेडिशनल डेटा में डेटा का वॉल्यूम कम होता था, वेयर एज बिग डेटा में डेटा का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ डेटा वराइटी। सो ट्रेडिशनल डेटा यूजअली स्ट्रक्चर्ड होता था, एक ही कंसिस्टेंट फॉर्मेट होता था उसका, जैसे कि टेबल्स इन अ रिलेशनल डेटाबेस। और ये स्ट्रक्चर्ड नेचर के वजह से ही इसको स्टोर करना, प्रोसेस करना और एनालाइज करना बहुत इजी होता था। अब बिग डेटा में स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। इट कुड इंक्लूड टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट, लॉग फाइल्स और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज ऑफ डेटा होते हैं। अब इतने सारे डेटा टाइप्स के साथ डील करना एक ट्रेडिशनल DBMS टूल से तो नहीं होने वाला, इट विल रिक्वायर स्पेशलाइज टूल्स एंड अप्रोचेस। अगला पॉइंट है डेटा वेलोसिटी। अब जो ट्रेडिशनल डेटा सोर्सेज होते थे वो डेटा प्रोड्यूस करते थे एट अ स्टेडी एंड प्रिडिक्टेबल रेट, एंड बैच प्रोसेसिंग का यूज करके इस डेटा को एनालाइज किया जाता था और अपडेट किया जाता था पीरियोडिकली। लेकिन बिग डेटा को कैरेक्टराइज ही किया जाता है बाय हाई वेलोसिटी डेटा स्ट्रीम्स। यहाँ पे डेटा रैपिडली और कंटिन्यूसली जनरेट होता है और इस वजह से बैच प्रोसेसिंग पॉसिबल ही नहीं है। वील हैव टू डू प्रोसेसिंग इन रियल टाइम और एटलीस्ट नियर रियल टाइम प्रोसेसिंग, ताकि हमको वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले और हम टाइमली एक्शंस ले पाए। सो अ कंक्लूजन वुड बी दैट ट्रेडिशनल डेटा वेलोसिटी ऑफ डेटा वाज वेरी लेस, बट इन बिग डेटा द वेलोसिटी ऑफ डेटा इज मोर। नाउ कमिंग टू डेटा वेरासिटी। ट्रेडिशनल डेटा को जनरली ट्रस्टवर्दी और रिलायबल कहा जाता है बिकॉज इट गोज थ्रू रिगरस वैलिडेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस बिफोर एंटरिंग अ डेटाबेस। बिग डेटा ऑन द अदर हैंड मे बी सब्जेक्टेड टू मोर नॉइज एंड अनसर्टेनिटी ड्यू टू इट्स डाइवर्स सोर्सेज एंड रैपिड जनरेशन। अब कैसा है बिग डेटा के केस में, हम हमेशा ये नहीं बोल सकते कि ये जो डेटा है वो ट्रस्टवर्दी डेटा है या फिर रिलायबल डेटा है, बिकॉज रियल टाइम इंसाइट चाहिए होते हैं। तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो सबसे ज़्यादा डेटा एक्यूमुलेट हो रहा है उसी डेटा पे इंसाइट्स निकलता है, एंड सम ऑफ द डेटाज मे बी जस्ट नॉइज एंड इट माइट नॉट बी अ प्रॉपर डेटा, इट माइट बी अ रिडंडेंट डेटा। सो देर आर चांसेस दैट the data might be uncertain or not the one which might give us an actual or correct insight. ab real time mein data processing ho raha hai, real time mein insights generate ho rahe hain, to data quality aur uska verification karna bahut difficult hai when it comes to big data context. now coming to data analysis, traditional data mein in order to get the analysis we generally use sql and basic statistical methods. data sets typically स्मॉल होते हैं विच कैन बी प्रोसेस्ड इन अ सिंगल मशीन, लेकिन अगर बिग डेटा को एनालाइज करना है तो इट रिक्वायर्स डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क्स लाइक अपाचे हडूप एंड अपाचे स्पार्क। ये फ्रेमवर्क जो है दे इनेबल पैरेलल प्रोसेसिंग अक्रॉस क्लस्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स, जिसकी वजह से बिजनेस को वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा एफिशिएंटली हैंडल करने में मदद मिलती है। देन वी कम टू अनदर पॉइंट विच इज डिसीजन मेकिंग। ट्रेडिशनल डेटा वॉज यूज प्राइमरीली फॉर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस एडिंग हिस्टोरिकल डिसीजन मेकिंग। अब ट्रेडिशनल डेटा में क्या होता था, बहुत सारे जो प्रीवियस डेटा है उसको एनालाइज करके हिस्टोरिकल डिसीजन मेकिंग में मदद होती थी कि भाई
अब तक कैसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं इन द पास्ट, और उसके बेसिस पे अभी ये डिसीजन लिया जाएगा, प्रेजेंट डिसीजन। तो दैट्स हाउ द डिसीजन मेकिंग वॉज डन इन ट्रेडिशनल डेटा। बट बिग डेटा में बिजनेसेस कैन एंगेज इन प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो अब ट्रेडिशनल डेटा में डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है, लेकिन बिग डेटा में प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है। सो दे गेन इनसाइट्स ऑफ फ्यूचर ट्रेंड। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, दे ट्राई टू गेट दी फ्यूचर इंसाइट्स। प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ें पॉसिबल है एंड फ्यूचर के ट्रेंड्स ये हो सकते हैं। और फिर ऑब्वियसली उनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, रियल टाइम डेटा होता है, तो उसका यूज करके दे ट्राई टू मेक द डिसीजन टू स्टे कम्पिटिटिव एंड एजाइल। कमिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूल्स, तो ट्रेडिशनल डेटा कैन बी मैनेज यूजिंग कन्वेंशनल डेटा बेसिस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। बट बिग डेटा रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि डेटा लेक्स, नो एसक्यूएल डेटा बेसिस, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, अलॉन्ग विद स्पेशलाइज बिग डेटा एनालिटिक टूल्स। इसका कंक्लूजन क्या निकला? द बिजनेस अप्रोच टू हैंडलिंग बिग डेटा नेसेसिटेट्स अ शिफ्ट इन स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी एंड माइंडसेट। अगर आप बिग डेटा का यूज करना चाह रहे हैं इन योर बिजनेस, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने माइंडसेट को बदलें। अगर आप बिग डेटा को एम्ब्रेस करते हैं इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो यू विल टैप इन टू अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज ऑब्वियसली यू नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, यू विल गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, एंड यू कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन टू जनरेट डीपर इंसाइट्स एंड देन यू कैन मेक मोर इन्फॉर्म डिसीजन। बट ऑब्वियसली वेन यू सी दैट देर इज अ लॉट ऑफ डेटा, यू गेट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, सो इट रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक योर इन्वेस्टमेंट इन द राइट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यू शुड नो हाउ टू हार्नेस इट्स फुल पोटेंशियल। तो आपने मे बी आपने राइट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट भी कर दिया, तो यू शुड नो हाउ टू यूज इट टू इट्स फुल पोटेंशियल, अदरवाइज इट विल बी ऑफ नो यूज। जैसे कि आपने एक बहुत अच्छा कॉन्फिग्रेशन वाला लैपटॉप ले लिया, बट यू डोंट नो हाउ टू यूज इट कम्प्लीटली टू इट्स फुल पोटेंशियल, सो इट्स यूजलेस फॉर यू। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड दैट वॉज ऑल अबाउट ट्रेडिशनल डेटा वर्सेस बिग डेटा बिजनेस अप्रोच। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।